नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कथा। एक बार मेरा दोस्त मुझे एक महावत के यहाँ ले गया। उसके यहाँ कई हाथी बंधे हुए थे और आप जानते हैं यह हाथी एक पतले धागे से और कमजोर धागे से रस्सी से आप समझ लीजिए उसके अगले पैर में हाथी के और वो बंधे हुए थे और अपनी जगह पर मस्त होकर अपनी घास को खा रहे थे। मैंने उससे पूछा कि ये इतना बलशाली हाथी एक पतले धागे की डोर से कैसे बंधा है? ये तो इतना बलवान है, इतना बलशाली है, ये तो कभी भी इस धागे को तोड़कर भाग सकता है। मेरे दोस्त ने कहा, आओ चलें, महावत से जानते हैं इसका राज। हम महावत के पास गए। हमने उससे पूछा, ये इतना बलवान हाथी, इतना बड़ा शरीर हाथी एक धागे से बंधा है, हम तो इसे धागा ही कहेंगे, एक रस्सी से बंधा है अगले पैर में, ये इसको तोड़कर भाग क्यों नहीं जाता है? तो उसने बताया कि हमने इसको जब ये बहुत छोटा था तब से इसको हम पाल रहे हैं और छोटे से ही एक पतली रस्सी से इसके अगले पैर में बांध देते हैं और ये अपनी जगह पर खड़ा रहता है। हाथी का बच्चा बचपन से जानता है कि मैं भाग नहीं सकता हूँ क्योंकि ये रस्सी मेरे अगले पैर में बंधी है। और ये बात उस हाथी के बच्चे के दिमाग में लगातार युवा होने तक बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार दिमाग में जो बात बैठ जाए, जिसको आप डर भी कह सकते हैं, जिसको आप भय भी कह सकते हैं, तो वो कभी निकलती नहीं है। और वही हाथी आगे चलकर, यानी जब वो बच्चा था और युवा होता चला गया, उसने कभी कोशिश नहीं की कि मैं इस रस्सी को तोड़ दूं, चाहे वो कितना बलशाली हो गया, कितना बड़ा हो गया, कितना विशाल हो गया, उसने कभी कोशिश नहीं की। वह उस बचपन की विचारधारा में रहा। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि हम अपने विचारों को बदलें, संघर्ष करें, नई सोच बनाएं और उस पतले धागे को तोड़ने की कोशिश करें और स्वतंत्र हों। इसलिए जीवन में हमेशा नई सोच रखिए, संघर्षशील बनिए और जो ये धागे से आप बंधे हैं डर के धागे से, उस डर के धागे को तोड़िए और आगे बढ़ते जाइए। कैसी लगी आपको ये कहानी, जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। नमस्कार।